तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले वेट गेन के बारे में। जय गाइस, अभी चल रहा है ठंड का मौसम, तो इस समय अगर आपको अगर आपका वेट बहुत ही जल्दी गेन करना है ना, तो ये सीज़न जो है बहुत लोगों का जो वेट है ना, इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गेन होता है। काफ़ी सारे जो बॉडी बिल्डर्स है वो गेनिंग के लिए यही सीज़न बेस्ट मानते हैं। अगर आपका वेट बहुत ही कम है, अगर आपको वेट बहुत ही जल्दी ही गेन करना है, तो इस टाइम आपका वेट बहुत ही जल्दी गेन हो जाएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा लोग गेनिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो ठंड के मौसम में जो वेट है वो जल्दी से जल्दी गेन हो सके। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता है कि ठंड के मौसम में आपको लगता है कि हमारा वेट बहुत ही जल्दी गेन हो जाएगा। बहुत लोगों को इस तरह से लगता है। अगर आपको भी आपका अगर वेट बहुत ही जल्दी गेन करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको आपका वेट मेजर कीजिए कि अभी आपका वेट जो है वो कितना है। 40 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg आप कम भी कर सकते हो इस टाइम पर। बस आपको कार्डियो वगैरह करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप वेट गेन भी कर सकते हो। अगर सबसे पहले तो आपको आपका वेट मेजर करना है कि आपका वेट कितना है। उसके बाद आपको कुछ फूड्स ऐड करना पड़ेगा। जय गाइस, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमने पीनट बटर भी खा लिया, बनाना भी खा लिया, बॉयल पोटैटो भी खा लिया, आप सब यही बताते हो, पर हमारा वेट है ना वो जल्दी गेन ही नहीं हो रहा है। तो गाइस, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका आपका जो वेट है वो मेजर कर लीजिए। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है वो पता कर लीजिए, अगर नहीं पता जल्दी जाके चेक कर लीजिए। और एज, आपकी एज कितनी है, और ये सब कैलकुलेट कर किस पे करना है, जो BMR आता है गूगल साइट पे, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगे। एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। BMR मतलब आपके बॉडी को कितनी नीड है, आपकी कितनी मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने वो सब डालना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, मैं साइट पे कर दूंगा मेरा वाला। तो मान लीजिए कि अभी आया है 2500, तो मतलब 2500 अगर कैलोरी आई है, तो आपको इसमें वेट गेन करने के लिए 300 ऐड करना पड़ेगा। कुछ वीक बाद मतलब एक हफ्ते बाद आपको और 200 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 500 ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको दिन में कितना कैलोरी लेना पड़ेगा, 3000 आपको कैलोरी लेना पड़ेगा, तभी जो आपका वेट है वो जल्दी गेन हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वेट के अकॉर्डिंग। अब मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा है तो मुझे 3000 के आसपास चल जाएंगी, पर अगर आपका वेट बहुत ही कम है तो आपको कम आएगा, उस पर आपको सिर्फ 500 तक बढ़ाना है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है। अगर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 300 से स्टार्ट कीजिए, एक वीक तक 300 लीजिए, उसके बाद थोड़ा वेट गेन हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आप 500 ऐड कीजिए, 600, 700 इस तरह से ऐड कीजिए। जैसे जैसे आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वैसे वैसे आप कैलोरी ऐड कर सकते हो। फूड की अगर बात करें तो आपको फूड ऐड करना है, बनाना, जी गाइस, बनाना हाई इन कैलोरी, आप बनाना ऐड कीजिए, बॉयल पोटैटो, जो मिल अपना जो ये आता है अपना सॉरी कर्ड, दही बोलते हैं ना, दही और पोटैटो आप मिक्स करके खा सकते हो। तो ये सब खाना है आपको। आप डेट्स खा सकते हो, खजूर, तो ये सब आपको खाना है। तो पीनट बटर खा सकते हो, पीनट बटर भी हाई इन कैलोरी है, तो आपको ये सब खाना है। ऐसा नहीं कि आज के दिन सिर्फ पीनट बटर खा लिया, कल हम ओट्स खाएंगे, या फिर उसके नेक्स्ट दिन हम ये खाएंगे अपना बॉयल पोटैटो खाएंगे, तो इस तरह से नहीं करना है आपको। मैंने आपको जितने भी फूड्स बताई है ना, वो आपको साथ में खाना है, सब खाना है। पता कैसे चलेगा कि किस फूड में हमें कितनी कैलोरी मिल रही है? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आपने जो BMR निकाला, उसमें अगर आपका जितने भी आपको कैलोरी आई है, जो भी आप फूड्स खाने वाले हो, जैसे कि अगर आपको 2 बनाना खाना है, तो आप इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि कितने साइज़ वाला बनाना है, लॉन्ग साइज़, मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़। अगर आपके पास मीडियम साइज़ वाला बनाना है, मीडियम साइज़ वाला अगर आपके पास बनाना है, तो मीडियम साइज़ न्यूट्रिशन फैक्ट, तो आपको पता चलेगा कि एक बनाना में कितनी कैलोरी आ सकती है। बस आपको थोड़ी कैलोरी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपने डाल दिया जो गूगल पे आया वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर पता चला कि 1 बनाना में 200 के आसपास अगर कैलोरी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपको बस उसी तरह से हर फूड्स का आपको कैलकुलेशन करना है। आपका जो डेली टारगेट है 2500, तो आपको वो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका वेट बहुत ही जल्दी गेन हो जाएगा, क्योंकि BMR अगर आप कैलोरी अगर सरप्लस में लोगे ना, तो वेट आपका 101% गेन होगा। मैं कुछ फूड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, और आप सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो, गेनर वगैरह, मसल गियर का गेनर वगैरह बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है, मास गेनर शेक वगैरह भी आप पी सकते हो।
तो आपको यही करना है। और वर्कआउट, हाँ वर्कआउट तो आपको करना ही है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी वर्कआउट करना है, वेट गेन करना है तो भी आपको वर्कआउट करना है। सिर्फ आप कार्डियो वगैरह थोड़ा कम कर सकते हो, अगर आप कार्डियो करना भी चाहते हो तो वीक में एक बार भी कार्डियो किया तो भी चलेगा, अगर नहीं कार्डियो किया तो भी चलेगा। तो यही था आज का वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए, जय बजरंगबली, जय हिंद।